दर्द नहीं हो रहा उन गरीबों मैं आपको बता दूं प्रज्ञान जी, कांग्रेस में ऐसा चेहरा नहीं है ना। गरीबों की चिंता तो तब होनी चाहिए नहीं, मध्य प्रदेश में आने से कतराते हैं। उन्होंने आज तक किसी प्रकार का इस तरीके का आयोजन करने का जवाब दे लूं, ये प्रयास ही नहीं किया है। नहीं नहीं, आप कह रहे कांग्रेस गरीबों के लिए चिंतित है, गरीबों के लिए तो राष्ट्रीय स्तर में चिंता करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है ना। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा रहा है, वहां आपको गरीबों की चिंता नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश में एक रैली से पेट्रोल कहां आसमान पर पहुंचा रहे हैं। आज वो जो गरीब की रोटी के साथ जो प्याज खाता था गरीब आदमी, उसकी कीमत उन्होंने 80 रुपए कर दी है। अच्छा प्रकाश जी, उनको जवाब दीजिए। प्रकाश जी नरेंद्र सलूजा, दिल्ली की सरकार सस्ते बांट रही है। आप भी महाकुंभ नहीं करते, 150 करोड़ खर्च नहीं करते और सस्ते दामों पर लोगों को प्याज बांटते, काला बाजारियों को रोकते। राहुल गांधी एक महिला आदिवासी महिला के घर में रोटी खाने जाते हैं तो उसके लिए 100 करोड़ खर्चा करते हैं। एक महिला के घर में जब भोजन करने जाते हैं अपने नरेंद्र जी मेकअप करने के लिए। मीरचंदानी जी, नरेंद्र को बोलने के लिए बड़ा जायज सवाल पूछा है, चर्चा से हम भटक रहे हैं। जायज सवाल पूछा है प्रज्ञान जी ने। दिग्विजय सिंह जी ने जो बिल पेश किए जनता के लिए, कांग्रेस का उस पर कांग्रेस का जवाब आना बहुत जरूरी है। जो बिल पेश किए बनाने के लिए, बुर्के पर जो बिल पेश किए उस पर बोलने दीजिए मीरचंदानी जी। सलूजा जी का जवाब आना जरूरी है। प्रकाश जी सुनील की और इनको जो खरा इनको प्रकाश जी सुनील ने जो सवाल पूछा उसका जवाब आने दीजिए नरेंद्र सलूजा। या तो ये अपनी बात रख ले या मैं अपनी बात रख लूं। नहीं नहीं सलूजा जी, आप बोलिए कि जो बुर्के पर मेरी घबराहट का जवाब तो सुन लीजिए, घबराहट आपको होने लग जाएगी। सलूजा जी ये जवाब दीजिए कि इस तरह की चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, कि जो बैक डेट का बिल है उसको नए डेट में बना के आप पेश कर रहे हैं। इस तरह के प्रदेश की 7.25 करोड़ का हक है उस सरकारी खजाने पे, जिसके 150 करोड़ रुपया व्यर्थ पानी में बहाए जा रहे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी के सामने शिवराज अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं इस महाकुंभ के जरिए। सलूजा जी पहले अपडेट होके आइए, हमारे पास इस बात के प्रमाण है और हम साबित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक मिनट प्रकाश जी आपके पास आएंगे। नरेंद्र सलूजा आपके पास क्या प्रमाण है? 200 करोड़ रुपया आप आपकी जेब से खर्चा कर रहे हैं। प्रकाश मीरचंदानी, नरेंद्र सलूजा, आप एक मिनट, नरेंद्र सलूजा आप ये बताइए आपके पास क्या प्रमाण है? सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है उसका प्रमाण क्या वैसा ही है जैसा दिग्विजय सिंह सुबह दिखा रहे थे? ये बात तौर पे हमने इसकी चुनाव आयोग में शिकायत भी करी कि नगर निगम से लेके लोक निर्माण विभाग से लेके राज्य परियोजना विभाग पूरे सरकारी तंत्र को लगाकर सरकारी धनराशि को पानी में लुटा रहा है। इस बात की हमने मय प्रमाण के शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, पूरी निगरानी की बात की गई है और हम पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी इसीलिए करा रहे हैं कि कहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। आगे 150 करोड़। नरेंद्र सलूजा मैं सुनील के पास जाना चाहूंगा। सुनील, इस पूरे मसले में क्या दिख रहा है? सरकारी धन का कितना दुरुपयोग हो रहा है जो इनका आरोप है? मैं उस मुद्दे पे नहीं आना चाहूंगा। मेरा मुद्दा यह है कि कांग्रेस आपको लग नहीं रहा कि बौखलाई हुई है? नहीं बिल्कुल प्रज्ञान जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है बीजेपी का, प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आयोजन, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि विश्व का सबसे बड़ा ये कार्यकर्ता समागम होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाने जा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस तरह की वो कर्तव्यबाजी कर रहे हैं। सुबह दिग्विजय सिंह जी बड़ा नाम है लेकिन इस तरह के काम शोभा नहीं देते। कांग्रेस की ओर से एक बिल पेश किया गया, उस बिल पर जब दुकानदार से पूछा गया तो साबित हो गया कि उसमें एडिट किया गया है। एक तरह की इस तरह से फर्जी करके इस कुंभ को फ्लॉप कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि पार्टी का कार्यक्रम है, जिस तरह बार बार कर रहे हैं कि सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा है, पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी अपने स्तर पर इसमें खर्चा कर रही है, इसमें सरकारी धन का उपयोग हो नहीं सकता है। रही दूसरी बात, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार आप सत्ता में होते, कांग्रेस भी जब सत्ता में होगी और कांग्रेस किसी वक्त ऐसा आयोजन कराएगी तो वो भी दूध की धूली नहीं हुई है। केंद्र में जब इस तरह के आयोजन होते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे आयोजन होते हैं तो वो भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। सत्ता में सब सरकार का किसी भी सरकार के किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं आपको माफ करिए सर, वर्मा जी की हमारे पास बाइट है जो आपके पार्टी के वर्मा जी उनकी बाइट है, नहीं हो रहा है कि नगर निगम के लोगों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, आप मान लीजिए नगर निगम के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत जानकारी है, जो भी व्यक्ति ने बताया आपको, पार्टी के नेता कह रहे हैं, कौन वर्मा जी, कौन से वर्मा जी बता रहे हैं? प्रकाश जी बिल्कुल गलत बता रहे हैं। वो दोनों लोग दो विरोधी पार्टियों के हैं, ये तो तय बात।